बाय डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे रोनी एक सेकंड रुक जाओ। क्या हुआ? आज मेरे मायके से मेहमान आने वाले, कुछ पैसे दो। तुम्हारे मायके के मेहमान भीख मांगने आ रहे हैं क्या? अरे डार्लिंग मजाक कर रहा था, किस लिए चाहिए पैसे? अरे पैसे मुझे चाहिए, मेरे मायके के मेहमान आ रहे हैं, मैं उन्हें बाहर खाना वाना खिलाऊंगी, उन्हें शॉपिंग लेके जाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग, इनकम टैक्स का महीना है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बल्कि तुम ही कुछ पैसे मांग लो अपने मेहमानों से मेरे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। रोन यही रुको, तुम प्लीज अभी मत जाओ प्लीज। क्यों? अरे मेरे मायके के मेहमान आ गए हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो मैं करूंगी, तुम बस मेरा सपोर्ट करना। हाँ सपोर्ट। अंकल हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में सब बताया है और ये भी कहा कि मैं आपका स्वागत अच्छी तरह से करूं। सो वेलकम। हेलो अंकल, ये मेरे हस्बैंड है रोहन। Hello. और रोहन ये मेरे वो मेहमान है। ऑफ कोर्स, नाइस मीटिंग यू अंकल, नाइस मीटिंग यू। डार्लिंग मैं चलता हूँ, ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। हाँ हाँ रोहन तुम जाओ, भाई लाखों के कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, तुम जाओ। हाँ लाखों के डार्लिंग, लाखों के, अरे करोड़ों के कहो। आई नो आई नो। अच्छा डार्लिंग, वो जो मेरे गहने अंदर पड़े हैं उन्हें जाके लॉकर में रखा हूँ, बहुत सारे हैं, जगह नहीं है। आई नो, बहुत सारे गहने हैं, ठीक है अब रख दो डार्लिंग। हैं वैसे अंकल जी, क्या आप इसके साथ शॉपिंग के लिए जाना पसंद करेंगे? जी जी नहीं अंकल जी, मैं भी इसकी शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं करता। कैसे पसंद करोगे रोहन भाई, मेरी 1000 रुपए वाली शॉपिंग तुम्हें थोड़ी ना पसंद आएगी। लेकिन अंकल आप ही बताइए, क्या ये सही है कि कोई बिजनेसमैन अपनी बीवी पे लाखों रुपए उड़ाए? क्यों नहीं, अगर सही इनकम टैक्स भरा हो तो बची हुई रकम से एंजॉय किया जा सकता है। या राइट। वैसे लगता है आपको इनकम टैक्स की काफी जानकारी है अंकल। जी जरा जरा। मुझे भी जरा जरा ही है। वैसे आप करते क्या अंकल जी? अजी जो इनकम टैक्स बचाते हैं, चुराते हैं, छुपाते हैं, उनके रेट डालता हूँ। अरे क्या मतलब, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ मैं, यहाँ किसी कपूर नाम के बिजनेसमैन की रेट डालने के लिए आया था, लेकिन शायद मुझे कोई दूसरा मिल गया। व्हाट? अच्छा बेटा, ब्लू कुर्ता दिया ना? ब्लू कुर्ता मेरे पास नहीं है। जल्दी से डैडी को फोन कर रहा होगा। क्यों? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है मत बताओ। मम्मा इतनी शॉपिंग कर कर क्यों लाई है? आपको पता नहीं है डैडी की कितनी कम इनकम है? ए, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? किस बेवकूफ ने कहा कि तुम्हारे डैडी की इनकम नहीं है? अरे तुम्हारे डैडी तो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। नानी मां ऐसा मत कहिए, डैडी बिल्कुल भिखारी है। रितू, अरे रोहन देखो ना, हमने शादी की सालगिरह के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। लेकिन हमारी शादी की सालगिरह तो 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। अरे इनका बस चले ना रोहन, तो ये शॉपिंग के लिए रोज शादी की सालगिरह मना ले। डैडी रोहन, दरअसल ये हमारी शादी की सालगिरह की शॉपिंग नहीं है, मम्मी की शादी की सालगिरह की शॉपिंग है। ओह, इतनी सारी शॉपिंग? ससुर जी आपकी लॉटरी निकली है क्या? अरे नहीं बेटा, इनकी तो बस एक बार लॉटरी लगी थी, जब इनकी मेरे साथ शादी हुई थी। क्यों? वो लॉटरी थी? अरे वो तो मेरा सेंसेक्स सबसे नीचे गया था। डैडी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना नीचे गया है। एक मिनट, लेकिन इन सब का बिल आपने कहाँ से पे किया? पे कहाँ किया है? मतलब? अरे ये सब तो उधारी पर लेकर आए हैं। हाँ, बिल की पेमेंट तो तुम करोगे ना? What? What do you mean, what? अरे रंभा उस दिन तुम्हारे आस पड़ोस वालों को बोल रही थी कि तुम्हारी इनकम लाखों करोड़ों में है। अरे बाबा वही मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ कि प्लीज रिंकू की तरह किसी के सामने मेरी इनकम को लेके आप लोग डिंगे मत हांकना, मुझ पे कभी भी इनकम टैक्स वालों का रेड पड़ सकता है। वही तो मैं इन दोनों को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डैड, पर ये दोनों की मानते ही नहीं। बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? ऑलरेडी आप पर रेड पड़ा है डैड। रेड अभी नहीं पड़ा है बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं जायजा ले रहा था कि कहाँ क्या क्या है जिस पर हम इनकम टैक्स वाले ताला लगा सके। वैसे तो एक ही चीज है हमारे पास। वो क्या? मेरी सासू माँ।
देखिए हम सस्पेंस अकाउंट को नहीं छूते। मतलब क्या? कुछ नहीं आंटी, मेरा कहने का मतलब है दादी जी। एक्सक्यूज मी इनकम टैक्स ऑफिसर, आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? हाँ वो आपकी किसी सौतन ने। क्या नाम है उसका? यस, रिंकू खन्ना है। अबे और रिंकू की बच्ची, हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसी हुई उस इनकम टैक्स ऑफिसर को मेरा एड्रेस देने की? हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? सर, रिंकू मैडम बार बार आपका फोन काट रही है और कह रही है रॉन्ग नंबर। अरे लेकिन इसमें तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? नहीं, अगर रिंकू मैडम फोन की जगह तुम्हारा गला काट दे तो इसको और ज्यादा खुशी होगी। क्या? ना 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 सर, टूटोन हमारे सर दिल के बहुत अच्छे इंसान है, समझे? भले ही जेब में कुछ हो ना हो। सपना, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि मेरी जेब खाली रहती है? सर, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट, कल शाम आपकी बस की टिकट मैंने ली थी। वो क्योंकि कल मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। हाँ, तुम्हारे सर के पास खुले पैसे नहीं होते, सिर्फ नोटों के बंडल होते हैं। यार ऐसे बंडल मत मार, मेरी बीवी ने ऐसे ही कुछ कहा सुबह, और जानता है अब इनकम टैक्स ऑफिसर की मुझ पे पैनी नजर है। अरे छोड़ ना यार, जो कंगाल होता है जिसके पास एक भी पाई नहीं होती उस पे इनकम टैक्स की नजर नहीं होती। हेलो रिंकू मैम, सर कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं? हाय, मुझे अरे को बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ? क्योंकि तुम मेरे सामने तो कंगाल बनते हो, लेकिन उस रंभा को इतने पैसे दे दिए तुमने कि वो इतनी अमीर हो गई कि उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। वो वही इनकम टैक्स अफसर था जो गलती से हमारे घर आ गया था? वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी। हेलो 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 हेलो, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया रिंकू, बिल्कुल टुटुम की तरह लग रही है। मेरी आवाज मेरी ही है। नहीं लेकिन चुप करना। वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने दूसरी शादी की थी? क्यों, अब क्या कहा रिंकू ने? रिंकू कहती है कि रिट्टू के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ा, मेरे यहाँ क्यों नहीं पड़ा? अरे यार बड़ा अजीब सा कंपटीशन चल रहा है तुम्हारी दोनों बीवियों के बीच में। अब कल को तुझे फांसी हो गई। क्या? नहीं मतलब सपोज कर कल को तुझे फांसी हो गई तो तेरी दोनों बीवियां इस बात पे झगड़ा करेंगी कि मेरी वजह से मेरे पति को फांसी क्यों नहीं हुई, तेरी वजह से क्यों हुई। हाँ सर, लेकिन रिंकू मैम ये क्यों चाहती है कि उनके घर में इनकम टैक्स का रेट पड़े? क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स को और अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये दिखाना चाहती है कि हम अमीर लोग हैं, हम पर इनकम टैक्स छापा मारता है। बस इतनी सी बात है। तो जा, जाके कह दे उससे कि शाम को उसके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। रेड का इंतजार हो रहा है सर। क्या मतलब कि जो खबर मुझे मिली है वो सच है? क्या खबर मिली है सर आपको? मुझे एक फोन आया और मुझे बताया गया कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। ओए यार टुटुन, तूने तो कहा था कि कंगाल लोगों पर इनकम टैक्स वाले रेड नहीं मारते। ओए क्या, what the hell do you mean, मैं कंगाल हूँ? अरे मेरी बीवी के बदन पर इस वक्त 1 करोड़ रुपए के गहने हैं। सर इनकम टैक्स वाले आपकी बीवी को जब्त कर लेंगे। कोई चांस नहीं है क्योंकि मेरी बीवी इस वक्त अमेरिका में है और मैंने उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक सूटकेस में बंद कर दी है और तुम्हारी बीवी के पास छोड़ आया हूँ। क्या बैग? कौन सा बैग रोहन? अरे हमारे बॉस कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे पास कोई बैग छोड़ा है। तुम्हारे बॉस का ना दिमाग फिर गया। नहीं नहीं, दिमाग फिर जाता तो वो समझदार हो जाता। रिंकू क्या खबर है, तुम पर इनकम टैक्स का रेट कब पड़ने वाला है? अरे जब पड़ेगा तो मैं खुद बताऊंगी ना। वैसे ना सोसाइटी में सर्कुलर निकलेगा कि हम पे रेट पड़ा है। वैसे मैं एक बात कहूँ आपको, अगर आप लोगों को किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। क्या है ना, मेरी वो है ना इनकम टैक्स ऑफिसर है। हाँ। अच्छा तो आपके वो हमारी किस मामले में मदद करेंगे, हम पे रेट मारने में? अरे सुन शोभा, अगर हमें कोई जरूरत होगी ना तो हम तुम्हें खुद फोन करेंगे। ठीक है, वैसे एक बात कहूँ, जब से लोगों को ये पता चला है कि आप जैसे लोगों के ऊपर भी रेट पड़ सकती है तब से आप ना बड़े हॉट हो गए।
सकती हूँ। अच्छा वो क्या है ना, सुबह से मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। रोहन तुम्हें बुखार है रोहन? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, मैंने तो यूं ही उसे हड़काने के लिए कह दिया था। दरअसल मैं ऑफिस से यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि बॉस ने तुम्हें कौन सा बैग दिया है। अरे कोई बैग नहीं है मेरे पास, चाहो तो खुद जाके अंदर देख लो, जाओ। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, आई बिलीव यू बाबा, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू। बाय डार्लिंग। बाय। कल ये फाइल कंप्लीट करके सबमिट। बंद करो इसे। मैंने ऐसा बंडलबाज आदमी कहीं नहीं देखा। तो, 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 मैंने क्या किया? आज मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, बॉस की बात। क्यों सर? बॉस का बैग खाली निकला क्या? अरे बैग रखा ही नहीं था उन्होंने। ओए, ओए, मतलब कि तुम्हारी बीवी ने मेरा बैग खो दिया? अब तो मेरी बीवी मुझे गोली मार देगी। अच्छा वो आपने बता दिया, मतलब आइंदा अगर आपने कभी मेरी बीवी को बैग दिया तो मैं उसे जरूर खो दूंगा। अगर मैंने तुम्हारी बीवी को बैग दिया? हाँ सर, मेरी बीवी ने कहा कि आपने उसे कोई बैग नहीं दिया। अरे तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, she's a damn liar. सर जबान संभाल के बात कीजिए सर। अरे कितनी बार कहूँ कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी बीवी को बैग दिया है सर। हाँ आपने मेरी बीवी के बारे में और एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं आपकी टाई पकड़ कर पतंग पतंग खेलूंगा, आपको आसमान में उड़ाऊंगा। रोहन छोड़ दे बेचारे को, शायद सर मजाक कर रहे हैं। देखो देखो देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहा हूँ? मैंने 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 वो बैग जाके तुम्हारी बीवी को दिया। फिर से क्या? कहा कि अगर इनकम टैक्स वाले आए तो ये बैग उन्हें मत दिखाना। मत दिखाना। यकीन यकीन नहीं आता है तो पूछ लो अपने बेटे से। अरे बेटे से क्यों? बेटे से? बेटे से? एक मिनट केस को समझने दीजिए। हाँ। आपका मतलब आपने वो बैग रितु भाभी को दिया? अरे तो और किसे देते? अरे बॉस आप भूल गए क्या, रोहन सर की दो दो बीवियां हैं। ओह माय गॉड, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रिंकू के पास गए थे? हश, थैंक गॉड जल्दी पता चल गया, वरना वरना बॉस की जीभ इतनी बार निकल आती। हेलो, हाय रितु मैम, कैसी हैं आप? हाँ 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 ओके सर, आपको फौरन घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ सर? रितु मैम कह रही है कि रितु मैम के घर पे इनकम टैक्स का रेड पड़ गया। अरे ये पिलो कवर्स क्यों निकाल रहे हो है? पिलो में क्या सर मिलेगा तुम्हें? और मौके दो रातें जागकर मैंने ये पिलो कवर्स डाले। हाँ, हाँ। चलो वापस जा लो, चलो वापस जा रहा, चलो वापस जा। आप इनकम टैक्स के मामले में दखल दे रही हैं, हट जाइए। सुनिए जी। हाँ जी। आपने जो कुछ भी छिपा के रखा है वो सामने रखना होगा। हाँ जी हाँ जी। अरे हाँ जी हाँ जी क्या? हाँ? अरे कानूनी मामला है भाई, अथॉरिटीज जो कहेगी वो मानना पड़ेगा। हाँ ये देखो, मैंने ना सब्जी लेने जाता हूँ उसमें से बचा है 3.5, 4, 9, 9, 11, 12। ये आगे जाओ। क्या, क्या है ये सब? अरे ये पैसे हैं जो मैंने छुपा के रखे थे। ये रखिए आप और चुप रहिए आप। चुपी रहिए मैडम। क्या है जी वो? बाहर जाके जियो। आपको पूरा यकीन है कि रोहन खन्ना ने घर में ऐसा कुछ नहीं रखा है जिसे इनकम टैक्स बचाने के इरादे से छिपाया गया? हट रखा है ना? हाँ क्या 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 है? कोने में रखा हुआ वो बैग। बिट्टू बिट्टू ये तुमने क्या कर दिया? अरे ये डैड के बॉस का बैग है जो उन्होंने हिफाजत के साथ रखने को दिया था। ओपन इट। नो आई से ओपन इट। ठहरो ठहरो, ये बैग नहीं खुलेगी। क्यों क्यों नहीं खुलेगी? अरे इसमें कीमती सामान है। कीमती सामान है? हाँ। फिर तो जरूर खुलेगा। एक मिनट, मैं कहता हूँ ना नहीं खुलेगी। मैं खोलूंगा। एक मिनट देखो। अरे देखो खोलो, खोलो, खोल के रख दिया। खोलो, खोलो, खोलो। ये सब क्या है? यही तो सामान है। अरे कीमती सामान कहाँ है? अरे यही तो कीमती सामान है। अरे बीवी के कपड़ों से ज्यादा और क्या कीमती हो सकता है? इतना भारी बैग क्यों रोहन के बॉस हमारे यहाँ रख के गए हैं? ऐसे
हेलो हेलो इफ दिफ रोहन खन्ना रेसिडेंस अयो इनका मतलब क्या ये रोहन खन्ना साहब का घर है यस यस आप कौन टूटू इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स टूटू इनकम टैक्स ऑफिसर अरे सुनते हो मोहल्ले वालों रिको क्या हुआ अरे देखो ना हमारे यहाँ कौन आया है इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं हमारे यहाँ रेट पड़ रही है तीखी मिर्ची खा गया भैया तीखी मिर्ची खा गया भैया और डैडी ने अपनी जेब से एक एक रुपए के 12 कॉइन्स उन्हें दे दिए क्या करता मेरी जेब में पैसे ही उतने थे इनकम टैक्स वाले इतने भिखारी कभी नहीं हेलो हाँ बोलो रिंकू की बच्ची हाँ रिंकू बोलो क्या क्या हुआ अरे रिंकू के यहाँ भी रेड मारा गया है गया ये अरे रिंकू डरने की कौन सी बात है हमारे पास ऐसा है ही क्या जिससे वो चार्ज मारेंगे क्या हुआ कह रही है कि मुझे दरवाजे के बाहर जो बॉस का बैग मिला वो मैंने छिपा के रखा है नहीं देखो जरा रोहन गलत बात है मैंने कोई बैग तुम्हारे घर पे नहीं रखवाया था मैं सच कह रहा हूँ देखिए मेरी बैग सच वो देखे ना टीवी पे किसी बैग के बारे में न्यूज आ रही है आज सुबह ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर डाका पड़ा चोर 25 लाख रुपए लेकर भाग गए हैं जुहू के नागरिकों को सावधान किया जाता है कि कोई भी अनक्लेम्ड सूटकेस दिखे तो पुलिस को फौरन इत्तला की जाए ओ, आपका टेलीफोन नंबर क्या है मेरा 982 रॉन्ग नंबर आपके वो कहां है मेरे वो अंदर सो रहे हैं फॉर यू से आई विल सी फॉर माई सेल्फ सर क्या है मैं इधर हूं आई एम फॉलो फॉलो मी एक्सक्यूज मी आई सेड फॉलो मी ओके सर ए तू से सो रहे हैं ना काफी मोटे होके सो रहे हैं जी सर आप लोग क्या देख रहे हैं इनके मिस्टर सो रहे हैं है? अच्छा आपकी तारीफ यही तो है इनके मिस्टर वही सिस्टर आपके दो दो मिस्टर ओ शट अप शट अप हो गया ना आपका काम अब चलो आई हैव टू फाइंड चलो चलो नहीं चलो यहां से लेकिन चलो 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 तुम इन दोनों को संभालो मैं इन्हें अरे यार बिहेव विद इनकम टैक्स ऑफिसर बाहर निकलो ओ फैया हो क्या रहा है अंदर कौन सो रहा है वो दिखाइए एक मिनट पहले आप मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए अरे बेवकूफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरी मूंछ के पीछे है तो जाके शेव करके आई है ये देख ओए तू हां ये कौन ये वो है हमारा सद्दू अरे सद्दू हाँ। हाँ। रिंकू आप तुम्हारे मन को शांति हो गई कि हमारे घर पे भी रेड पड़ सकता है Yes, मजा तो आया लेकिन नेवर अगेन रोहन मेरे घर का सत्यानाश कर दिया इन बेवकूफों ने अरे हाँ लेकिन अपने घर का सत्यानाश करते करते बेचारों का क्या हाल हो गया देखो तो जरा जाओ इनके लिए चाय बनाओ जा अच्छा मैं जाके इन लोगों के लिए चाय बनाऊँ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया रोहन मैं तो इन्हें तो मैं भाभी आपका फेवरेट देवर टुटुन ये भी नकली है टुटुन तुम कैसा लगा मैं आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर अच्छा है जो सही टाइम पे रिवील हो गए वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ देती मैं तुम्हें गोली मार देती अरे नहीं नहीं हवादार कौन जहिलने की कोशिश की तो अरे लेकिन ये तुम लोग हो कौन भाई वो छोड़ो ये बताओ वो बैग कहाँ है
बैग? कौन सा बैग? वही जो हमने तुम्हारे घर के बाहर रखा था। और तुमने उठाया था, जल्दी बताओ नहीं तो गोली मार देंगे। सर रोहन, आई थिंक आई विल लीव नाउ। नहीं रुक, चमक चलो जल्दी से बैग बता, नहीं तो। नहीं 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 नहीं, मैं वो बैग नहीं दे सकती भाई, मेरे पति के बॉस ने वो बैग मेरे लिए भिजवाया था, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। भाभी तुम महान हो। हाँ। रिंको, रिंको, एक मिनट, उस बैग में तो चोरी का माल है। आपने चोरी की? शराब, शराब। अरे चोरी मैंने नहीं की है, चोरी इन दोनों ने की है, अभी अभी टीवी न्यूज पे आया है। अच्छा हाँ। रिंको जाके वो बैग और बॉस को दे दो। हाँ। जाओ, गो गो। नकली है। लेकिन ये असली है। थैंक यू मिस्टर रोहन खन्ना, थैंक यू मिस्टर पीके श्रीवास्तव। माइसेल्फ टुटुन। ओके ओके सर, आप लोगों की वजह से एक खतरनाक गैंग पकड़ी गई। इन 25 लाख में से आपको 20% इनाम मिलने वाला है। ले जाइए इसको। चलो अब जेल के वक्त आओ। रोहन हमें 5 लाख मिलेंगे। एक मिनट रोहन, ये मत भूलना हाँ कि उन 5 लाख में मेरा भी 50% बराबर हिस्सा है। ठीक है सर, 2.5 लाख के अंडरवेयर और बनियान आपको कल भिजवा दूंगा। अरे शोर मचा है अब गलियों में।